तो अचानक से बीजेपी का हल्ला बोल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में अचानक से बीजेपी का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, कल राज्यपाल से मिलेगी बीजेपी और बहुमत पेश करेगी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की तरफ से बड़ा अपडेट है और इसी को लेकर शिवसेना के प्रमुख संजय राउत का भी बड़ा बयान कि शिवसेना की मदद के बिना बीजेपी कैसे बना सकती है सरकार। तो पर्दे के पीछे बीजेपी ने क्या बहुमत हासिल कर लिया है। जहां दोस्तों, जो अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी शिवसेना के मदद के बिना भी सरकार बना सकती है, तो क्या बीजेपी ने ऐसा कुछ कर लिया है? क्योंकि निर्दलियों की मदद के अलावा कुछ और पार्टियों का समर्थन बीजेपी को मिल सकता है, ऐसी अटकलें सामने आ रही है। तो क्या संजय राउत का जो अभी अभी बयान जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि हम 50-50 के फॉर्मूले से ही महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे महाराष्ट्र के लिए 5 साल के लिए मुख्यमंत्री। तो आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? एक म्यान में दो तलवार आखिर कैसे रह सकती है? ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। कोई भी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मोदी सरकार की लहर भले ही महाराष्ट्र के अंदर ना चली हो, लेकिन सरकार बनाने का दावा बीजेपी का अब भी जारी है। इसी बीच महाराष्ट्र में अचानक से शिवसेना खेमे में खलबली मच चुकी है और शिवसेना ने कल एक बड़ी मीटिंग आयोजित की है, जिसमें सभी प्रमुख नेता हों या यहां पर विधायक हों और जो भी निर्दलीय यहां पर समर्थन शिवसेना को दे रहे हैं, सभी की एक हल्ला बोल मीटिंग आयोजित की जा रही है। इस मीटिंग में बड़ा फैसला होने जा रहा है। इस बीच कांग्रेस एनसीपी की तरफ से भी एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस ने कहा है कि समय आने पर कुछ भी हो सकता है। एनसीपी की तरफ से हालांकि यहां पर कहा गया है कि जिसके पास पहले बहुमत है सरकार, वो पहले बनाए, अगर वो बनाने में असमर्थ है तो इस पर विचार किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण दिन रहेगा कल के लिए, क्योंकि अगर बात करें तो मुंबई से कड़ंग के जो है मुंबई जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो है विचार विमर्श किया जाएगा। विधान भवन में राज्यपाल से मिलने जा रही है बीजेपी और कहीं ना कहीं अगर बहुमत पेश करती है तो आखिरकार कैसे बहुमत पेश करेगी? तो क्या बीजेपी के साथ निर्दलियों के अलावा शिवसेना के कुछ विधायक है, जिसको लेकर बीजेपी कल राज्यपाल से मिलेगी, सरकार को बनाने का दावा रखेगी, तो 72 घंटे में बन जाएगी सरकार, ऐसी कुछ बड़ी खबरें यहाँ पर सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही हैं। वही पवार से मिलेंगे राउत, ये कुछ बड़े अपडेट हैं। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख भी यहाँ पर एक बड़ा दावा पेश कर सकते हैं। क्या शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बन सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस कल राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, तो अचानक से बीजेपी ने हल्ला बोल कर दिया है और राज्यपाल से सीधे सरकार बनाने को जा रहे हैं। अगर 9 नवंबर तक नई सरकार नहीं बनती है तो फिर महाराष्ट्र में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन, और ये दोनों ही पार्टियों को बेहद ही चिंता करने वाला एक सवाल बन चुका है, क्योंकि दोनों पार्टी यहाँ पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी और जनता ने दोनों पार्टियों को सरकार बनाने का ना बहुमत दिया है। तो फिर क्या दोनों पार्टी इसी प्रकार से सीएम पद को लेकर लड़ती रहेंगी और समय निकल जाएगा और महाराष्ट्र में लगेगा राष्ट्रपति शासन, ये भी एक बड़ा यहाँ पर सवाल है। हालांकि नतीजे दोनों पार्टियों के पक्ष में है, अगर शिवसेना बीजेपी चाहे तो सरकार बना सकती है। हालांकि इसके अलावा भी यहाँ पर शिवसेना के पास ऑप्शन है, एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बना ले, लेकिन ऐसा होना काफी मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस एनसीपी इससे पहले यहाँ पर बात कर चुके हैं कि वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे और यहाँ पर उनके पास बहुमत नहीं है कि वो सरकार बनाए, लेकिन जिनके पास बहुमत है वो पहले सरकार बनाए, इसके बाद वो इस पर विचार कर सकते हैं। तो क्या महाराष्ट्र में यहाँ पर नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है? क्या एनसीपी कांग्रेस या शिवसेना की तरफ से जो दावा है वो आने वाले समय में महाराष्ट्र में शिवसेना का सीएम बनेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी तो कल यहाँ पर राज्यपाल से मिलेगी, लेकिन वो बहुमत कैसे पेश करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल कई हैं, लेकिन अनसुलझे सवाल अब तक हमारे सामने हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की तरफ से कोई नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा? तो ये कुछ सवाल हैं जिनकी तस्वीर कल साफ हो जाएगी। फिर भी आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का जो यहाँ पर दावा है राज्यपाल से मिलने जा रही है, सरकार बना पाएगी या शिवसेना की मदद से ही बनाएगी या शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की बनेगी सरकार? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।